सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCET 2023 के बारे में। CUCET जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार का एडमिशन प्रोसेस चेंज हो चुका है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे आगे कवर करने वाले हैं। और हमारे चैनल पे जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्या सीन होता है, कॉलेज की सारे रिव्यू को हम लोगों ने वहां पर कवर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप लोग यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस टेस्ट के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे काफी तरह के प्रोग्राम्स है, लाइक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लॉ, मतलब काफी सारे यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जिसके अंदर आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। इस टेस्ट के थ्रू आपको मौका मिलता है, 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी लोग उसको डिस्कस भी करेंगे कितना मार्क्स लाते हैं तो कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो अगर आप लोग यूजी कोर्सेज या फिर पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 12th में आपके जो स्टेट बोर्ड होता है या फिर नेशनल बोर्ड, जो भी CBSE, ICIC या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, तो उसके अंदर जो है क्लास 12th में मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए अगर आप अपीयरिंग या फिर पास आउट है तो, ठीक है। तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। हम लोग बात करते हैं दोस्तों CUCET के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUCET.CUCHT.IN, इस पे आप लोग पहुंच जाएंगे और यहां पे आप लोग सैंपल पेपर, सिलेबस सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो आपको यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 1000 रुपीज आई थिंक रजिस्ट्रेशन फी आपको यहां पे करना होता है। और यहां पे आप लोग यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकिंग रेटिंग्स आप लोग ये सब चेकआउट कर सकते हैं। सतनाम सिंह संधू इनके यहां के चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। हम लोग बात करें यहां पे कितना नंबर लाते हैं तो कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है दोस्तों दो फेज में यहाँ पे होने वाला है। अगर आप लोग पहले फेज में जो भी मार्क्स आए उससे अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग फेज टू को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में अगर आप 90 से लेकर के 100 तक स्कोर करते हैं तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलता है ट्यूशन फी के अंदर, यानी कि ट्यूशन फी आपको पे नहीं करना होगा, लेकिन जो हॉस्टल फी यानी कि जो एकोमोडेशन फी है वो बस आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। वही अगर 80 से लेकर के 90 तक मार्क्स लाते हैं तो 50% आप लोगों को मिलता है। 70 से लेकर के 79 तक मार्क्स लाते हैं तो 40% मिलता है। एज सेम एज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40 से लेकर के 49 तक लाते हैं तो 15% तक स्कॉलरशिप मिलता है। बाकी सभी लोगों को जो लोग भी यहाँ पे ये करते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं टेस्ट देते हैं CUCET को, उनको 10% स्कॉलरशिप मिलता ही है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो 30 से लेकर के 39% मार्क्स लाएंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फेज वन है। एज सेम एज आप लोग फेज टू के लिए भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम लोग बात करें दोस्तों कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको आफ्टर 12th प्रोग्राम और आफ्टर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, लेटरल एंट्री प्रोग्राम, एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम्स आफ्टर 12th में क्या क्या अवेलेबल है, तो लाइक इंजीनियरिंग में सारे ब्रांचेज यहाँ पे हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्रांचेज है। साथ ही यहाँ पे आर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशन, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड, फिल्म प्रोडक्शन, मतलब ढेर सारे आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। हम लोग बात करें दोस्तों सिलेबस और सैम्पल पेपर के बारे में, किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे CUCET पे क्वेश्चन पैटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का कैरी करता है और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोर्स वाइज देख सकते हैं, अगर आप लोग 10+2 नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर है तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से 30-30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। एज सेम एज नॉन मेडिकल के लिए देख पा सकते हैं 10+2 कॉमर्स, इंग्लिश, ये सब आप लोग अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा क्या आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है। सैंपल पेपर अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर देखने को मिल जाता है, साथ ही सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप जो अपना जो प्रिपरेशन है वो अपना बेस्ट कर सकते हैं। और पहले क्या था कि सिर्फ आपको CUCET यहाँ पे होता था, लेकिन अभी CUCET के बाद यानी कि टेस्ट के बाद आपको काउंसलिंग के थ्रू भी यहाँ पे जाना होता है। हम लोग प्रोसेस की बात करें तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका रजिस्ट्रेशन फी है 1000 रुपीज, उसके बाद CUCET का स्कोर आउट यहाँ पे होता है और उसके बाद आपको एडमिशन यहाँ पे कंफर्म करना होता है बेसिकली 10,000 रुपीज पे करके, एंड यहाँ पे काउंसलिंग का डेट अनाउंस होता है, उसके बाद एडमिशन फाइनलाइज यहाँ पे किए जाते हैं। तो बेसिकली यही कुछ यहाँ पे प्रोसेस है। और कोर्स वाइज आप लोग प्रोग्राम की फीस भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्या सेमेस्टर फी है, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा तो कितना फी आपको पे करना होगा, ये सब कुछ प्रोग्राम वाले सेक्शन में कोर्स में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना सिटी डाल के और डिसिप्लिन और प्रोग्राम सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये था कुछ डिटेल्स CUCET 2023
थ्री के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।